विंध्य क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या भोपाल में रह बसर कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में राजधानी में विंध्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि विंध्य क्षेत्र की जो जनता यहाँ रहती है वो एक दूसरे से परिचित हो, एक दूसरे को जाने। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजीव श्रीवास्तव ने मेहर के विधायक नारायण त्रिपाठी से खास चर्चा की। हमारे खास कार्यक्रम टुडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का नाम आज चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है कि त्रिपाठी जी भोपाल में विंध्य महोत्सव करने वाले हैं। ये विंध्य महोत्सव क्या है, क्या है इसका विजन, आइए इनसे जानते हैं। सर, विंध्य महोत्सव आप करने वाले हैं, किस थीम को लेकर आप इस आयोजन को कर रहे हैं? देखिए, हमारे विंध्य क्षेत्र का यहाँ कम से कम 3 लाख से 4 लाख आदमी विंध्य क्षेत्र का यहाँ भोपाल में निवास करता है, और वो अपने गांव से जब चला होगा तो अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए, अपने लिए, पेट पालन के लिए। आप भोपाल में देखेंगे, एक बेटर से लेके, एक चाय की दुकान से लेके, एक पान की दुकान से लेके, बड़े स्तर तक स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोग, तमाम बड़ी पदों में नौकरी करने वाले लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारा प्लान ये था कि 7 जनवरी को ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि नया साल है, नया साल का एक उत्सव मनाएंगे, और विंध्य क्षेत्र के लोग सब एक इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। जो यहाँ अपना घर द्वार बना के रहने लगे हैं उनके बच्चे भी यहीं जन्म लिए, यहीं स्कूलों में पढ़ने लगे। अब जो बच्चा पढ़ने लगा वो विंध्य की भाषा को भूल ना जाए, विंध्य के संस्कारों को भूल ना जाए, वहाँ की परंपरा, रस्म, रीति रिवाजों को ना भूल जाए। तो जो वहाँ की भाषा है, बोली है, हमारा व्यंजन है, तमाम चीजें हैं, और उन बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं भी जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा बैठेंगे तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते होंगे, सब एक दूसरे का परिचय होगा, मुलाकात होगी, बैठक होगी, एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। हमारा यही उद्देश्य था कि एक साथ बैठ के हम लोग मीटिंग करें, चर्चा करें, बात करें, और एक दूसरे को जाने पहचाने और बेहतर ढंग से रहने काम करें। पारिवारिक कार्यक्रम भी एक प्रकार से हो सकता है, परिवार के लोगों को एक दूसरे से गेट टुगेदर भी इसमें रहेगा। देखिए, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि सब लोग सपरिवार पहुंचे, सपरिवार आए वहाँ, और सब एक दूसरे को जाने, कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, कौन कहाँ व्यापार कर रहा है, कौन कहाँ धंधा कर रहा है, किसे क्या तकलीफ है, किसी का पीड़ा है। तो इन सब तमाम चीजों को लेके इस तरह कार्यक्रम मैं 2007 में भी किया था, इसी के चलते इस कार्यक्रम की हम तैयारी की। पूरे लोग बड़ा उत्साह है, तो ये सब एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करें, हम अपने विंध्य की तमाम चीजों को आगे भी ये बातें चलती रहे, इसके लिए कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में जो निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है, उसमें विंध्य का कितना योगदान मानते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के निर्माण में विंध्य क्षेत्र का योगदान और त्याग दोनों चीजें। योगदान में आप देखेंगे तो विंध्य क्षेत्र का, मैं बोला कि एक बेटर से लेके सर्वोच्च पद तक बैठने वाले लोग थे। शंभुनाथ शुक्ला प्रथम विंध्य के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद कुंवर अर्जुन सिंह जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमारे गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए हिंदुस्तान में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को दिखाने का काम किए, CLP लीडर आदि तमाम चीजें बताया कि चपरासी से लेके एक बेटर के पद से लेके प्रदेश के सर्वोच्च पद तक रहने का काम गुलशेर अहमद जी राज्यपाल रहे। तो ये तमाम चीजें विंध्य का योगदान, और विंध्य के त्याग के बारे में यदि बात करें तो विंध्य प्रदेश पहले विंध्य प्रदेश होता था, विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में हुआ, अब मध्य प्रदेश में विलय हुआ, विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ बना, तो विंध्य प्रदेश का त्याग भी इस त्याग दर्शाता है कि हम अपना विलय प्रदेश में भी कर दिए, और प्रदेश के विकास के योगदान की जहां तक बात किया तो ये तमाम इतने महत्वपूर्ण नाम है, बड़े बड़े नाम हैं जो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, और इस प्रदेश को अपने आप को समर्पित करते हुए विंध्य को समर्पित किया गया मध्य प्रदेश में। सर, विंध्य की राजनीति की अलग तासीर मानी जाती है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? विंध्य का जो भी आदमी होगा, इस भोपाल में भी जो होगा, बेटर के पद में होगा, पान की दुकान चलाता होगा, बार बार का काम करता होगा, नाई का काम करता होगा, जो भी छोटा से छोटा काम करने वाला आदमी जहां भी बैठेगा वो पॉलिटिशियन होगा, राजनीति की सूझबूझ समझदारी उसमें है, वो ये सब कुछ जानता है। वो सुबह जब उठता है तो सबसे पहले पेपर ही पढ़ता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विंध्य क्षेत्र का किसी का भी नाम आप देख लो, इस प्रदेश में जहां भी वो होगा, चाहे जिस लेवल का, उसका DNA ही राजनीति और इस प्रदेश की समझ को, देश की समझ को जानने समझने वाला आदमी होता है।
इस तरह की मांग भी उठती है कि विंध्य प्रदेश अलग होना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, ये तो मैं 2007 में एक मुद्दा भी उठा चुका था कि मध्य प्रदेश का यदि बंटवारा होता है क्षेत्रफल के हिसाब से तो विंध्य का हिस्सा पहले बनता है, विंध्य का हक है, इसलिए कि विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश से हुआ था। छत्तीसगढ़ बन गया, चलिए हम उसको भी हम अपने त्याग के रूप में मान गए कि चलिए छत्तीसगढ़ बनना जरूरी था, पर यदि प्रदेश का विभाजन अब किसी भी तरह होता है, बंटवारा होता है, ऐसा लगता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा है, तो कभी कोई बुंदेलखंड की कोई बात कर देता, कोई महाकौशल की बात करते, पर अब यदि बुंदेलखंड और महाकौशल की बात आती है तो सबसे पहले विंध्य बनेगा, इसके बाद ही किसी दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है। तो कहीं आपका कार्यक्रम वही शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है? नहीं, बताया नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैं आज मुख्यमंत्री जी से मिला, आज मुख्यमंत्री जी से बात किया, 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इसमें भी बोले हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी के यहाँ समय मिला तो सेकेंड टाइम में मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो हमारा बिल्कुल ये सामाजिक, पारिवारिक, अराजनैतिक, कोई बिना दल का, ये सिर्फ विंध्य क्षेत्र के लोग कार्यक्रम है। विंध्य क्षेत्र के लोग आएंगे, बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तमाम भली बात परिचित होंगे, भविष्य में भी लगातार इस तरह कार्यक्रम हम करते रहेंगे, कोई शक्ति परीक्षण कार्यक्रम नहीं है। सर, इस तरह का जो कार्यक्रम आपका हो रहा है इसमें तमाम छिपी प्रतिमाएं भी बाहर आएंगी, तो कुछ आपने सोचा है कि उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए? क्या केवल कार्यक्रम रस्म अदायगी बन के नहीं रह जाए, कुछ इस तरह का प्लान है क्या? नहीं, बताया ना, हम विंध्य क्षेत्र की बोली, भाषा, लोकगीत, वहाँ के जो परंपराएं हैं, उन सब की जो जितनी प्रतिभाएं हैं उनके लिए हम पहले से प्लान कर चुके हैं, एक अलग से मंच होगा, वहाँ के जो जो कार्यक्रम हैं, लोकगीत, वहाँ के गीत, गजल, भजन, सब चीजों का अलग अलग, जो भी जिनमें प्रतिभाएं होंगी उनको आगे ले जाने का भी काम करेंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल इन प्रतिभाओं को आगे लेकर जाएं और आपका कार्यक्रम पूरे से सफल हो। अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ में होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।